मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। तो स्काई में वेदर में आपका स्वागत है, मेरा नाम महेश पलावत है। मानसून की जो तबाही है वो कई राज्यों में दिखाई दे रही है, हालांकि कई राज्य अभी भी सूखे की मार झेल रहे हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत हम गुजरात से करेंगे कि गुजरात में तबाही की बारिश हुई है और आपने देखा कि बदकिस्मती से कुछ लोगों की जान चली गई है, कई कारें बह गई हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो असहाय मवेशी हैं वो भी पानी में बह गए और उनकी भी जान गई है। तो ये जो आपदा है वो गुजरात पर आई हुई है और जूनागढ़ और उसके आसपास के जो इलाके हैं, नवसारी है और जो सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में प्रलय जैसा तांडव बचा हुआ है, बहुत हैवी रेन इन इलाकों में हो रही है। तो इसका कारण क्या है इसको पहले देखते हैं। तो ये जो आप देखिए कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो नॉर्थ ईस्ट अरब सागर में बना हुआ था, गुजरात के थोड़ा सा और पश्चिम में था, और जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है वो नलिया से होकर के अहमदाबाद होते हुए गुजर रही है, यानी कि एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ गुजरात के ऊपर आ गई है और ये जो लो प्रेशर एरिया था वो जो है वो विदर्भ के आसपास बना हुआ है। तो इस तरह से एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ यहाँ से जा रही है और जो हवाएं हैं काफी ज्यादा तेजी से, क्योंकि इन दोनों वेदर सिस्टम के बीच में पुल इंपैक्ट होता है और जो विंड शियर जोन है, जो एक और वेदर सिस्टम होता है, जो विंड शियर जोन है वो भी 3 किलोमीटर से लेकर 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसी इलाके में है, यानी गुजरात के 20 डिग्री लेटिट्यूड के आसपास वो चल रही है और वो कम से कम ये यहाँ से आप कह सकते हैं इस तरह से जा रही है। तो ये जो सारे वेदर सिस्टम हैं यहाँ से लेकर के ये जो सारे वेदर सिस्टम हैं इनके मिले जुले प्रभाव से ये गुजरात में प्रलय का तांडव हुआ था। और अगर हम गुजरात की बात करें इस समय तो गुजरात से ही शुरुआत करते हैं, तो यहाँ से लेकर के आप मान के चलिए कि ये नलिया से लेकर के और देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, ये जो इलाका है सबसे ज़्यादा बारिश देखा है इसने, और गिर सोमनाथ से लेकर के भावनगर, सूरत, वलसाड़, ये जो दक्षिणी गुजरात है और जो सौराष्ट्र का इलाका है यहाँ पर भारी बारिश हुई थी। और आज भी जूनागढ़ के से लेकर के गिर सोमनाथ से लेकर के वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, ये सारे इलाके भारी बारिश देख सकते हैं। और अब बारिश की गतिविधियाँ राजकोट, मोरबी, कांडला, जामनगर, सुरेंद्रनगर, इन इलाकों में भी भारी हो सकती है। तो ये जो इलाके हैं वो लगातार बारिश देखेंगे और अगले 24 घंटों तक यहाँ पर तेज बारिश रहेगी, धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कल से जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम रहेगी लेकिन बारिश कई इलाकों में दिखाई देगी और इसका असर जो ये जो वेदर सिस्टम है, ये जो विंड शियर जोन है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ भी ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी, तो उसके प्रभाव से रन ऑफ कच्छ, बनसकांता, पालनपुर, सवरकांता, महेसाना, पाटन और महीसागर, गांधीनगर, अहमदाबाद, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ेंगी। ये 24 तारीख तक रहेगी, 25 तारीख तक होते होते जो उत्तरी गुजरात है वहाँ पर वेदर एक्टिविटी रह जाएगी और उसके बाद 25 तारीख की शाम से हम कह सकते हैं कि 31 जुलाई तक पूरे गुजरात का मौसम लगभग मतलब कि एक तरह से मानसून काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो जाएगा, हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी उस इलाके में नहीं रहेगी। छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ मंथ के एंड तक रहेगी, यानी कि जो लास्ट वीक है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक निकलेगा, एकदम सूखा भी नहीं रहेगा, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगले 24 घंटे के बाद जब बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी तो जो पानी है, बाढ़ का पानी है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और रेस्क्यू ऑपरेशन आराम से हो जाएंगे, तो ये सारा जो वेदर सिस्टम है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाएगा। तो और जो वेदर सिस्टम है उसके बारे में पहले देख लेते हैं, ये तो गुजरात की बात हुई। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पाकिस्तान पर बना हुआ है, एक तरफ रेखा है जो इस तरह से उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब होते हुए उत्तराखंड तक आ रही है। तो अब क्या होगा कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन इलाकों में हल्की हो रहेंगी, एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकता है, और हिमाचल और उत्तराखंड में भी कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगी लेकिन फिर भी अगले 2 दिनों तक यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन और एक दो इंटेंस स्पेल हो सकता है। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां इस तरह से रहने वाली है। आपने देखा होगा कि पंजाब में अमृतसर में बहुत अच्छी बारिश हुई है, तेज बारिश हुई है, लेकिन अब बारिश की गतिविधियां पंजाब के कई इलाकों को कवर करेंगी। आज से पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश बढ़ेगी लेकिन 24 और 25 तारीख को हम कह सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा के साथ साथ बाकी इलाकों में भी बढ़ने वाली हैं। अगर हम देखें तो जो पंजाब के जो इलाके हैं तो यहाँ पर अगर ये देखें तो गुरदासपुर, अमृतसर और होशियारपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो तेज बारिश होगी। उसके बाद तरन तारण हो गया, कपूरथला है, जालंधर है, शहीद भगत सिंह नगर है, लुधियाना है, ये सारे इलाकों में, चंडीगढ़ वगैरह, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी।
अबोहर, फजलिका और मुक्तसर वगैरह में, फरीदकोट और भटिंडा, मनसा, इन इलाकों में बारिश की उम्मीद थोड़ी सी कम रहेंगी, हल्की रहेगी, लेकिन बाकी जो इलाके हैं वो काफ़ी अच्छी बारिश देखेंगे और ये बारिश की उम्मीद 27 या 28 जुलाई तक कम से कम जारी रहने वाली हैं। और ये जो पंजाब में पहले ही बारिश मतलब सामान्य से ज़्यादा हुई है, अब बारिश की उम्मीद और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, तो पंजाब के लिए अगला सप्ताह अच्छा गुजरने वाला है। तो उसी तरह से हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश तो हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है, तो कल से 24 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी और 25, 26, 27 तारीख को हरियाणा के कई इलाके बारिश देखेंगे। चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। और उसके बाद जींद, हिसार, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और ये झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, चरखी दादरी, महेंद्रनगर, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ 25 तारीख से बढ़ने वाली हैं और 25, 26, 27 तारीख को अच्छी बारिश है। 26, 27 तारीख को इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और 26, 27 तारीख को ही सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये जींद वगैरह, भिवानी, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। हालांकि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इन इलाकों में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, लेकिन धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी बढ़ेगी और पूरे हरियाणा को ये कवर कर जाएगी। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि अभी भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, झांसी में बारिश हुई थी और बाकी जो इलाके हैं उत्तर पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, कुछ इलाके हैं यहाँ पर ही बारिश हो रही है, यानी बहुत खंड वर्षा हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तो अब 24 घंटे के बाद, क्योंकि जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ धीरे धीरे जो पश्चिमी सिरा है ऊपर आने की आना शुरू करेगा, तो उसका असर हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा और जो बारिश की गतिविधियाँ होंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश अभी भी सूखे की मार झेलता रहेगा, सहारनपुर से लेकर के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बागपत, मेरठ और रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, खुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बाराबंकी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो बारिश होगी, लेकिन ये जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिले हैं यहाँ पर हल्की बारिश रहेगी। बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर ज़्यादा होगी और ये हम कह सकते हैं कि 25 तारीख से शुरू होकर के 27, 28 तारीख तक यहाँ पर बारिश रहने वाली है। और इनका जो असर है वो सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद और कन्नौज के साथ साथ उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में भी दिखाई देगा। हमीरपुर, जालौन, झांसी, महोबा वगैरह में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के आधे उत्तर प्रदेश में बारिश होगी और आधा उत्तर प्रदेश लगभग सूखे की मार ही झेलता रहेगा। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई देने वाली है। तो अगला जो स्टेट हम बात कर रहे हैं, अब हम चलते हैं पूर्व की तरफ, तो यहाँ पर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में अभी भी बहुत बुरा हाल है और बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो कमी है पूरे भारत में वो बिहार में दिखाई दे रही है। बारिश में बहुत ज़्यादा सूखे जैसे हालात बने हुए हैं और किसान परेशान है और सब भाई बहन परेशान है कि गर्मी और उमस काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ दक्षिणी चंपारण से लेकर के सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देने वाली हैं हल्की फुल्की, लेकिन जो बाकी इलाके हैं जैसे कि आप देखो वैशाली हो गया, दरभंगा है, समस्तीपुर है, खगड़िया है, भागलपुर, ये जुमई है और नवादा है और बाकी जो इलाके हैं जितने भी जहानाबाद वगैरह, ये सारे इलाके बारिश नहीं देख पाएंगे और ये पटना, गया वगैरह में भी बहुत हल्की बारिश होगी। तो कुल मिलाकर के अगले 4-5 दिन यहाँ पर कोई ज़्यादा उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही, ये काफ़ी दुख का विषय है, लेकिन हम और आप क्या कर सकते हैं, जो नेचर है, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया एक के बाद एक बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं और वो जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है, मानसून की अक्षीय रेखा के पूर्वी सिरे को नीचे ही बनाए हुए है, ऊपर नहीं आने दे रही। जब तक ये एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ ऊपर नहीं आएगी तो बिहार और झारखंड में बारिश नहीं होगी। झारखंड में भी ऐसा ही लग रहा है कि बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम रहने वाली हैं, लेकिन फिर भी बिहार की तुलना में यहाँ पर थोड़ी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। पश्चिम बंगाल में भी सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ जो असम और अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, बाकी इलाके अभी भी सूखे जैसे ही रहेंगे, बहुत हल्की बारिश की गतिविधियाँ वहाँ पर रहने वाली हैं। तो इसके बाद अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में भी जो बारिश है वो मॉडरेट शावर्स होंगे, हैवी रेन नहीं है अभी दक्षिणी उड़ीसा में, क्योंकि लो प्रेशर एरिया बनने वाला है। तो दक्षिणी उड़ीसा में गजपति, गंजम, कोरापुट, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, लेकिन बाकी जो वो है उड़ीसा है वहाँ पर बारिश नहीं होने वाली है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में जगदलपुर और उसके आसपास के इलाकों में तो बारिश हो रही है, लेकिन बाकी इलाके अभी भी काफ़ी ज़्यादा शुष्क बने हुए हैं, तो वहाँ पर हल्की बारिश ही रहेगी। यानी कि कोरिया, कोरबा से लेकर के जो अंबिकापुर है, रायगढ़ है, दुर्ग है, राजनांदगांव है, रायपुर है, ये सब इलाके हल्की बारिश या एक दो मॉडरेट स्पेल ही देख पाएंगे।
अब इसके आगे हम चलते हैं तो राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में आपने देखा कि बारिश की गतिविधियां अब जो होने वाली हैं, क्योंकि जो गुजरात का असर है, जो गुजरात के ऊपर ट्रफ है, वो थोड़ा सा ऊपर आएगी। तो अब क्या होगा कि बाड़मेर से लेकर के जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, ये सारे इलाके, तो जोधपुर और सिरोही पाली, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होने वाली हैं, बढ़ेंगी। और उसी तरह से फिर क्या होगा कि पूर्वी जो इलाके हैं, जैसे दौसा, करौली, ये जो इलाके हैं, अजमेर, जयपुर, ये इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। और ये जो झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, ये जो धौलपुर वगैरह है, यहाँ पर 25-26 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। 25-26-27 तारीख को गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, इन इलाकों में भी बारिश होगी। जैसलमेर में बारिश की गतिविधियाँ अभी भी कम ही रहने वाली हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली है। अब ये जो मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं, जैसे कि मैंने ये लाइन बना रखी है, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, अगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, झबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, इंदौर, खंडवा, खरगोन, हरदा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होने वाली हैं। और फिर भी मॉडरेट शावर्स हो सकता है कि बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, इन टीकमगढ़ वगैरह में भी हो जाए। और ये जो इलाके हैं, सिद्धि वगैरह में बारिश हुई है, लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियाँ अपेक्षाकृत जो पूर्वी जिले हैं, यहाँ पर थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन फिर भी मौसम इस इलाके का शुष्क नहीं रहेगा, मध्य प्रदेश लगातार बारिश देखता रहेगा, क्योंकि जो भी वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं, वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश को वो कवर कर रहे हैं। अब देखते हैं महाराष्ट्र में क्या है। तो महाराष्ट्र में हमने देखा कि जो मुंबई में बारिश की गतिविधियां हो रही थी, भारी बारिश हुई थी, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। अब आगे भी मॉडरेट शावर्स अगले दो दिनों तक हो सकते हैं, एक दो हैवी स्पेल हो सकता है। ये आप कह सकते हो कि गुजरात के दक्षिण में जो है, नंदुरबार, धुले, नासिक से पालघर, ठाणे, मुंबई, पुणे, राजगढ़, और ये रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, इन इलाकों में तेज बारिश है। पुणे और ये सतारा, कोल्हापुर, सांगली, इन इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। और बाकी जो इलाके हैं, जैसे कि विदर्भ वगैरह है, ये इलाके में भी अच्छी बारिश अगले 24 घंटों तक रहेगी, उसके बाद थोड़ी सी कमी आएगी। तो हम कह सकते हैं कि पूरा गोंडिया, भंडारा। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।